हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो मैं जॉब अपडेट लेकर आया, स्पेशली लोगों के रहने वाले जो एक परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब खोजते हैं और जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि सर इस कंपनी में अप्लाई किया, उस कंपनी में अप्लाई किया, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो भाई इसमें अप्लाई करते ऑन द स्पॉट आपके पास रिस्पॉन्स आने वाला है, उसके बाद असेसमेंट टेस्ट के बाद इसमें आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो, चाहे आपने BA, BSc, BCom, BTech कहीं से कुछ भी ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इजीली इस कंपनी के अप्लाई कर सकते हैं। और 0 to 12 months का अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो आराम से इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। कोई सेल्स टारगेट वाली जॉब नहीं है यार। और मैं पूरी डिटेल इसमें बताने वाला हूँ कि लास्ट ईयर इसका टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक आर्टिकल छप के आया था कि इसने पास्ट ईयर में एटलीस्ट 25,000 लोगों को जॉब दे रखी है। तो ये सब रिसर्च करने के बाद मैं सब चीज़ का प्रूफ लेकर अपने वीडियो में दिखाऊंगा, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हाँ मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ। ठीक है, तो इस सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। कस्टमर केयर की इसमें जॉब है। अगर आपकी सिंपल आपकी इंग्लिश अच्छी है या फिर आपकी फ्लुएंसी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो आप आराम से इसमें 32,000 रुपीज़ के अराउंड वर्क फ्रॉम होम जॉब में आराम से कमा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बड़ी बात ये है यार कि इसमें आपको एट द टाइम ऑफ जॉब जब आप करते हो तो इसमें सीखने को काफ़ी चीज़ मिलती है। और उसके बाद इस कंपनी ने आपको कई और इंश्योरेंस और कई और पर्क एंड बेनिफिट और प्रमोशन की भी इसमें बात की गई है, क्या क्या चीज़ इसमें होती है वो सब कुछ बताया। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ इंटच CX अब ये कंपनी क्या करती है। ये अपनी कस्टमर सर्विसेज एज वेल एज अपनी टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है वेरियस अदर पार्ट्स कंपनी में। ये नॉर्थ अमेरिका की कंपनी है और इंडिया में भी इसके हेड ऑफिसेस हैं। अब मैं पहले तो आपको दिखा देता हूँ कि इंटच CX के बारे में कंपनी ने पहले लिखाया है, वो आप देख सकते हो 23 दिसंबर 2023 का ये आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। उसमें क्लियर इंटच CX के बारे में क्लियर का डिटेल लिखी गई है। इसके बारे में पूरा दिखाया गया कि है कैसे ये कंपनी फ्लरिश कर रही है। बैंगलोर और हैदराबाद में इसके कैंपसेस हैं। यहाँ पे मैंने इसका लिख रखा कि इंटच CX करंटली इंप्लॉयज मोर देन 25,000 पीपल अक्रॉस 22 लोकेशन वर्ल्ड वाइड विद अ कल्चर एंड आर्ट ऑफ। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हो और इंडिया में भी काफ़ी फ्लरिश कर रही है। ये इंडिया का ही आर्टिकल है, तो आप इसको भी एक बार रीड कर लेना। ठीक है, अब हम काम की चीज़ पे आते हैं। इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा कंपनी ने अपने बारे में बताया गया है कि इंटच CX इज अ ग्लोबल लीडिंग कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजिंग। तो ये सब आप एक बार पढ़ लेना। अबाउट द जॉब, जॉब क्या करना है। आइडियल कैंडिडेट शैल हैव एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस स्किल। ऑब्वियसली यार, आप कस्टमर सर्विस करने जा रहे हो तो आपको अबे तबे तो करना नहीं है, प्यार से पोलाइटली आपको बात करके उनके जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व आउट करने। बोथ द मीडियम, चाहे आप चैट से थ्रू हो या फिर आपका ईमेल है, आपको इसमें रिस्पॉन्स अच्छा करना रहेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस सॉल्यूशन क्वेश्चंस एंड कंप्लेन रिलेटेड टू ऑर्डर स्टेटस, या फिर कोई अगर दिक्कत आती है तो आपको चैट और ईमेल के थ्रू आपको रिस्पॉन्स करना रहेगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल इंक्वायरीज, आइडेंटिफाई स्केलेट प्रायोरिटी ईमेल, कौन सी भाई आपको ज़्यादा प्रायोरिटी है, किसके ईमेल का पहले रिस्पॉन्स करना, तो ये सब चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। ये सब आपको ट्रेनिंग के टाइम में बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट ऑफ द कस्टमर चेक करना है, कोऑर्डिनेट विद कोवर्कर, एक्टिवली लिसन टू द कस्टमर, ये सब चीज़ें आप एक बार भाई पढ़ लेना। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें कि रिस्पॉन्ड ऑफ द इनकमिंग चैट्स ईमेल्स, ये आपको तुरंत आपके पास इसमें 90% जो आपके होने वाले हैं चैट और ईमेल के थ्रू ही आपको वर्क इसमें करना रहेगा। फिर उसमें दिखाया गया है कि फंडामेंटल आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर रहे तो और भी अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें सिस्टम है आपके पास और ये सब चीज़ें हैं, तो आप इस बार इसको डिटेल में मार लेना, देख लेना। रीडिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट चलेगा, 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस है, देन ऑल्सो इट इज़ गुड। तो ये सब चीज़ आप देख लो। अप्लाई करने के लिए आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑन द स्पॉट यहाँ पे आपका मेल आईडी आपसे मांग लेगा, टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा और फिर कहेगा यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए। तो ऑन द स्पॉट, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही आप अप्लाई करोगे तुरंत ऑन द स्पॉट मेल आ जाता है, या असेसमेंट टेस्ट आप ऑन द स्पॉट देख के आप अपना रिजल्ट लेके सेलेक्ट हो सकते हो। आई बिलीव की जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की समझ में आया, फिर भी कोई डाउट हो बिंदास कमेंट करो, मैं सारे कमेंट देता हूँ, सबका रिप्लाई कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।